नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सिंह अपने यूट्यूब चैनल ऐप्स राजा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं उन सभी भाइयों बंधुओं को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे चैनल ऐप्स राजा को ढेर सारा प्यार दिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ ही साथ बहुत सारा लाइक भी किए हैं। तो चलिए, आज का मेरा जो टॉपिक है उसके बारे में बात करता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक फाइनेंशियल रिलेटेड है, वित्तीय से रिलेटेड है कि आप जो भी पैसा आप जमा करते हैं वो बैंक में हो, या बैंक से लोन लेते हैं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या सुकन्या में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन सभी का हमें रिटर्न कितना मिलेगा, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊँगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से जाके बैंकिंग कैलकुलेटर नाम का एक ऐप को हम डाउनलोड करेंगे। इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, 4.5 की रेटिंग है और मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं सिर्फ इसे ओपन करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस ऐप से रिलेटेड EMI, SIP, PPF, FD, RD, सुकन्या समृद्धि, कैग, IRRE, MIS, इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ, ETC, बहुत सारे इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन करके देखता हूँ कि इसमें क्या है। उसे ओपन किए, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ ढेर सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे EMI कैलकुलेटर पहला जो है, देखिए EMI कैलकुलेटर, इससे आप यदि किसी तरह का लोन लेते हैं, किसी तरह का भी लोन लेते हैं, वो कार हो, बाइक हो, TV, फ्रीज, जो बजाज फाइनेंस का जो EMI होता है, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेटर देख सकते हैं कि आपको वो कितना ले रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। दूसरा है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसे आप खोलेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। तीसरा है PPF डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट विथड्रॉल, परसेंटेज डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिलता है। अब यहाँ देखिए, जो हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो SIP, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। जब हम म्यूचुअल फंड में कोई भी पैसा जमा करते हैं तो उसे SIP के माध्यम से जमा करते हैं, उसकी कैलकुलेटर यहाँ पे है। यदि आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पता कर सकते हैं, आपको रिटर्न कितना मिलेगा वो पता कर सकते हैं। बेसिकली ये रिटर्न आपको कितना मिलेगा, इसी के संबंध में ये ऐप है। तो देखिए, फिर नेक्स्ट है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट में आपको बैंक बता देगा कि मुझे 6%, 7%, 8% आपको मिलेगा। तो यदि आप कुछ पैसा आप जमा कर रहे हैं प्रत्येक माह, तो आप इस ऐप के माध्यम से रेकरिंग डिपॉजिट ऑप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक इन्फ्लेशन कैलकुलेटर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सुकन्या समृद्धि है। सुकन्या समृद्धि बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री जी का एक योजना है, इसके माध्यम से आप अपने बेटियों को इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। यदि बेटी आपने अभी से जन्म लिया तो आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ सुकन्या के संबंध में बहुत ही विस्तार से। तो चलिए, इसमें भी आप सुकन्या समृद्धि से रिलेटेड रिटर्न आप कितना पाएंगे, कितना जमा कर रहे हैं, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। और नेक्स्ट है मंथली इनकम स्कीम। ये अक्सर MIS होता है, मंथली इनकम स्कीम, ये बेसिकली आपको पोस्ट ऑफिस में मिलता है। तो ये सब सारे डिटेल इस ऐप में है। ये बहुत ही अच्छा ऐप है, मैं इसे खुद इस्तेमाल करता हूँ, तो आप भी इसे इस्तेमाल कीजिए। और इस ऐप से रिलेटेड यदि कोई भी समस्या होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर उड़ाएँ। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।